जय श्री राधे भक्तों। एक बार देवर्षि नारद जी पड़ गए माया के चक्कर में और उन्हें बनना पड़ा स्त्री। माया के वास्तविक स्वरूप का उन्होंने किया अनुभव। इसके पीछे क्या कथा थी, वही कथा हम आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आए हैं। भक्तों, ये कथा देवी भागवत के छठे स्कंद से ली गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नारद जी श्रीहरि के दर्शन करने के लिए पहुँचे। उस समय वे मनोहारिणी लक्ष्मी जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न और सभी अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी जी नारद जी को देखकर वहां से हट गईं। लक्ष्मी जी भवन में चली गईं। तब नारद जी ने देवाधिदेव जगत प्रभु भगवान विष्णु जी से पूछा, देव शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ भगवान, मुझे आते देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गईं? जगतगुरु, न तो मैं कोई नीच हूँ न धूर्त हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ। इंद्रियां मेरे वश में रहती हैं। मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, माया का मुझ पर कोई वश नहीं चलता। उस समय नारद जी की वाणी में उनके प्रत्येक शब्द में अभिमान था। ये सुनकर के श्रीहरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। भगवान श्रीहरि बोले, ये काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवाय कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार ना करे। जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं, तथा इंद्रियां जिनके हमेशा वश में रहती हैं, उन योगियों के लिए भी माया अजेय है। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले मुनिवर, आपने अभी जो कहा कि मैं माया पर विजय पा चुका हूँ, सो ये बात कभी किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। जब सनकादि मुनि भी माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम या किसी और देवता की भला क्या गणना की जाए। उनकी बातें सुनकर के नारद जी के मन में संदेह आ गया। तब उन्होंने जगत प्रभु सनातन श्रीहरि जी से पूछा, हे रमापते, माया का कैसा स्वरूप है, उसकी कैसी आकृति है, उसमें कितनी शक्ति है, कहाँ रहती है, किसके आधार पर टिकी है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान, मुझे उस माया को देखने और जानने की बहुत प्रबल इच्छा है। आप शीघ्र उसे दिखाकर और समझाकर मुझे प्रसन्न करें। भगवान विष्णु ये सुनकर के बोले कि सारे जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाली वो माया त्रिगुणात्मिका सर्वज्ञा सर्वसम्मता अजेया और अनेक रूपा है। ये पूरे संसार में व्यापक होकर रहती है। अगर तुम उसे देखने की इच्छा रखते हो तो अभी गरुड़ पर चढ़ो, हम दोनों एक अन्य लोक में चलेंगे। ब्रह्मपुत्र नारद, वहाँ मैं तुम्हें अजितात्माओं के लिए अजय उस माया के दर्शन कराऊंगा, जिसे देखने के बाद तुम्हें अपने मन में विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा और विंता नंदन गरुण को याद किया। स्मरण करते ही गरुण जी उनके सामने आकर खड़े हो गए। गरुण जी को आया देखकर भगवान विष्णु उन पे सवार हुए और नारद जी को भी साथ लेकर के चल दिए। वायु के समान तीव्रगामी गरुण बैकुंठ से यात्रा शुरू कर दी। भगवान श्रीहरि जिस ओर जाना चाहते थे उधर के लिए संकेत कर देते और गरुण जी का वही लक्ष्य बन जाता। यूं बहुत से विशाल वन, दिव्य सरोवर, नदियां, ग्राम, नगर, पर्वतों के आसपास के गांव, बहुत कुछ को पार करते हुए अंत में दोनों कान्य कुब्ज के पास पहुंचे। वहां पर एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वो सुशोभित था। तब श्री भगवान बोले, नारद, सारसों की बोली से शोभा पाने वाले इस अगाध सरोवर को देखो, इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं। यहाँ स्नान करने के बाद श्रीहरि ने हंसकर मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ ली। उस सरोवर को बार बार प्रशंसा करते हुए वे नारद जी को तट पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया से उनका तट सुशोभित हो रहा था। कुछ समय तक वहाँ पर विश्राम किया। उसके बाद भगवान ने नारद जी से कहा, मुने, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। इस प्रकार कहकर भगवान ने नारद जी से वीणा और मृगचर्म ले लिया। स्नान करने की बात नारद जी को भी जच गई।
नारद जी प्रेम पूर्वक तट पर चल दिए। हाथ पैर धोने के बाद उन्होंने शिखा बांधी, हाथ में कुश ले लिया और आचमन करके पवित्र जल में स्नान करने लगे। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में नारद जी ने ज्यों ही डुबकी लगाई कि उनकी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई और वे एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उसी क्षण भगवान ने नारद जी की वीणा और पवित्र मृग चर्म लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम को पधार गए। इसके बाद सुंदर भूषणों से भूषित होकर नारद जी स्त्री के रूप में समय बिताने लगे। उसी क्षण से पूर्व शरीर की जो स्मृति थी वो नारद जी के मन से चली गई। जगत प्रभु भगवान विष्णु तक उन्हें याद न रहे। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभावने स्त्री वेश को पाकर के नारद जी उस सरोवर से बाहर निकले। कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की ओर उन्होंने आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में परिणत होकर के वे विचार कर ही रहे थे, इतने में राजा तालध्वज अचानक ही उनके सामने पड़ गए। उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े रथ थे। वे रथ पर बैठे थे, युवा अवस्था के थे, आभूषण पहन रखा था और ऐसा लगता था मानो कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हो गए हों। तब राजा तालध्वज ने स्त्री बने हुए नारद जी से पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? मानव, गंधर्व या उरग, किसे तुम्हारे पिता होने का सौभाग्य मिला है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला अकेली क्यों भटक रही हो? तुम्हारा विवाह हो चुका है या तुम अभी कुमारी हो? सच्ची बात बताना, उत्तम वेड़ी से शोभा पाने वाली तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो? कामदेव को मोहित कर देने की योग्यता रखने वाली तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो। यदि तुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोभिलाषित भोग प्राप्त कर सकती हो। इस पर स्त्री बने नारद जी ने राजा से कहा कि निश्चित रूप से मैं नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कौन है? मुझे तालाब पर कौन लाया है? मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर के राजा ने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग एक उत्तम पालकी लेकर आओ। उसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए। पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो और उसी पर ये सुंदर स्त्री सवार होंगी। राजा तालध्वज की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने ओहार युक्त दिव्य पालकी स्त्री बने नारद जी के लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उन नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से वे उनके शिविका पर जा बैठी। इसके पश्चात राजा उन्हें लेकर के अपने राज्य को चले गए और वहाँ पर उनके साथ विवाह कर लिया। स्त्री बने नारद जी का नाम रख दिया गया सौभाग्य सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी के साथ रमण करते हुए राजा के सुख की कोई सीमा न रही। बहुत सालों तक ये क्रम चलता रहा। इस प्रकार से 12 वर्ष बीत गए और इसके बाद वो हुई गर्भवती। गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक सौभाग्य सुंदरी यानी स्त्री बने हुए नारद जी का गर्भाधान संस्कार कराया। गर्भ के समय उनकी क्या इच्छा है इसके विषय में राजा बार बार पूछा करते थे, लेकिन लज्जा के कारण वे कुछ नहीं कह पाती थी। 10 महीने पूरा होने पर सौभाग्य सुंदरी को पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय दिन, ग्रह, नक्षत्र, लग्न और तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सूतक समाप्त हो जाने पर जब राजा ने पुत्र का मुख देखा तब उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। इस प्रकार से 2 वर्ष के बाद फिर से सौभाग्य सुंदरी को गर्भ ठहर गया। समयानुसार सर्व लक्षण सम्पन्न दूसरे पुत्र की भी उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा और छोटे का नाम सुधन्वा रखा। इस प्रकार राजा के संपर्क में रह करके सौभाग्य सुंदरी यानी कि नारी बने हुए नारद जी ने 12 पुत्र उत्पन्न किए। समय समय पर पुनः उनसे 8 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात राजा ने सभी प्रकार से उन पुत्रों का लालन पालन किया, उनका विवाह किया, फिर उनके भी संतानें हुई। खेलने कूदने और नाना प्रकार के भोग भोगने में ही सौभाग्य सुंदरी यानी कि स्त्री बने हुए नारद जी का सारा समय व्यतीत होने लगा।
उनके मोह की भी लगातार वृद्धि होने लगी। कभी सुख कभी संपत्ति सामने आती थी, कभी लड़के बीमार पड़ते थे तो कभी उन्हें कष्ट भोगना पड़ता था। हर प्रकार की अशांति का सौभाग्य सुंदरी जी ने अनुभव किया। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। कुछ समय के बाद एक दूर देशवासी प्रसिद्ध नरेश ने राजा के यहाँ आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, भयंकर संग्राम हुआ और उस संग्राम में रानी सौभाग्य सुंदरी के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए। ये खबर मिलने के बाद तो रानी टूट गई, रोने लगी लगातार कि हे पुत्रों कहाँ चले गए, मेरे पुत्रों कहाँ चले गए। इस प्रकार से विलाप करती रही। इतने में भगवान विष्णु वहाँ पर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके पधारे। देखने में वे बड़े मनोहर से जान पड़ते थे। सौभाग्य सुंदरी लगातार रो रही थी। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदरी तुम क्यों रो रही हो? ये एकमात्र भ्रम है। पति पुत्र गृह में मोहवश ऐसी स्थिति आ जाती है। तुम अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो। सोचो तुम कौन हो, किसके पुत्र हैं, ये कौन है। उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बांधवों के निमित्त सर्वथा तीर्थ में स्नान करके तर्पण करें। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु ने जब उन्हें इस प्रकार समझाया, तब स्त्री बने हुए नारद जी राजा को साथ में लेकर के अपने बहुत से बांधवों को भी साथ में लेकर के वहाँ से उनके साथ चल दिए। चलते चलते वे पहुँच गए पुनतीर्थ में। वहाँ पर भगवान श्रीहरि ने कहा, हे गजगामिनी, कार्य करने का समय उपस्थित है। तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरर्थक शोक से रहित हो जाओ। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र पिता पति भ्राता जमाता मर चुके हैं, उनमें से किस किस का तुम शोक मनाती हो? ये सब मन का भ्रम है। स्वप्न की तुलना करने वाला ये व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट देने वाला होता है। भगवान विष्णु की मुख से निकली हुई इस बात को सुन करके उनकी प्रेरणा के अनुसार स्त्री बने हुए नारद जी पुरुष संज्ञक तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रवेश हुए। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही उनकी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। भगवान विष्णु वीणा लेकर तट पर विराजमान थे। स्नान करने के पश्चात नारद जी को कमल लोचन भगवान विष्णु जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। फिर तो उनके मन की विस्मृति दूर हो गई। वे सोचने लगे, भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ और माया के प्रभाव से मेरी स्त्री जैसी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें क्यों सोच रहा था। उस समय भगवान श्रीहरि ने नारद जी से कहा, नारद यहाँ आओ, जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? नारद जी ने सोचा, मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के वेश में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? नारद जी के आश्चर्य की कोई सीमा ही न रही। इसके बाद नारद जी को देख करके राजा तालध्वज भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनिवर नारद कहाँ से आ गए। वे बार बार विलाप करने लगे, रोने लगे, कहने लगे कि हे प्रिय, मैं तेरे वियोग में पड़कर विलाप कर रहा हूँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। इस प्रकार से लगातार वे विलाप करते रहे। उनके विलाप को देख करके भगवान श्रीहरि ने अनेक प्रकार की युक्तिपूर्ण वचन कहा और उन्हें चुप कराया। भगवान बोले, हे राजेंद्र, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारी प्राण प्यारी स्त्री कहाँ गई? क्या तुम्हें शास्त्र श्रवण का अवसर ना मिला या तुम ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से सदा वंचित रहे? वह कौन स्त्री थी, तुम कौन हो, कैसा संयोग कैसा वियोग? इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा तालध्वज को समझाया और उनके कहने पर राजा तालध्वज ने प्रणाम किया उन्हें और भली भांति स्नान की विधि संपन्न की और उसके बाद वे अपने घर को चले गए। अब उन नरेश के अंतःकरण में अद्भुत वैराग्य का उदय हो चुका था, इसलिए अपने पौत्र को राज्य सौंपकर वे सीधे वन को चल दिए। उन्होंने तत्व ज्ञान में पूर्णतः योग्यता प्राप्त कर ली। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करके नारद जी ने उनसे पूछा, भगवान आपने तो मुझे ठग लिया, लेकिन माया की असीम शक्ति अब मेरे समझ में आ गई। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, देखो ये सब महामाया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दशाएं उपस्थित होती हैं।
जैसे शरीर धारियों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि चार प्रकार की दशाओं का क्रम निरंतर चालू रहता है, वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होना भी स्वाभाविक है, इसमें संदेह कैसा। सोया हुआ मनुष्य जानने, सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है, वही जब जग जाता है तब सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती हैं। उसका नींद से चित्त विचलित हो जाता है, मन में अनेक प्रकार के बहुत से स्वप्न उठा करते हैं। मनुष्य स्वप्न में देखता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, मैं भागने में असमर्थ हूँ, क्या करूँ, मेरे लिए दूसरा कोई स्थान भी तो नहीं जहाँ तुरंत भाग चलूँ। कभी स्वप्न में देखता है कि मेरे पितामह अपने घर पर पधारे हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, कभी परस्पर बातचीत होती है और एक साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। जागने पर उसे मालूम हो जाता है कि ये सुख दुख संबंधी बातें उन्होंने स्वप्न में लिखी हैं। उन सभी बातों को याद करके वह जनता के समक्ष विस्तार पूर्वक कहता है। महामाया के गुणों की दुर्लभ्य सीमा को जानने में भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी असफल हैं। फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है। तो भक्तों, जब माया से बच पाना देवर्षि नारद के लिए इतना कठिन था तो सोचिए सामान्य मनुष्य के लिए कैसा होगा। तो माया को छोड़ पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन माया के साथ परमात्मा का चिंतन, मनन, उनकी कथाओं का श्रवण करके हम अपने मन को पवित्र जरूर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं ये कथा आपके लिए रुचिकर होगी और फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।